और देखिए यहाँ पे अगर इसकी वीडियो क्वालिटी की बात करें ना, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव वीडियो, 4K वीडियो चलने वाला। तो गाइज आज मैंने फाइनली 21.5 इंच का एसर का LED मॉनिटर मंगवाया है, और चलिए मैं इसको आपको इसका रिव्यू दिखाता हूँ, जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो फटाक से मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है मिलता है आपको एक आइडियो केबल्स और कुछ ये पंपलेट्स हैं, तो मैं इसको सेट कर दे रहा हूँ, और ये केबल्स का भी काम नहीं है। और ये है आपका एक्सटेंड, तो यहाँ से ये एक्सटेंड है, तो मैं इसको एक्सटेंड को ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ से मैंने एक्सटेंड को, यहाँ से एक्सटेंड को मैं इसको फिट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक्सटेंड है, और यहाँ से इसको इस तरीके से स्क्रू टाइट कर सकते हैं। थोड़ा सा करीब आ जाओ, करीब से बनाओ, इस तरीके से इसको टाइट करेंगे तो ये हमारा एक्सटेंड जो है रेडी हो गया है। और फटाफट यहाँ पर देखिए इसके सारे पावर केबल एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, यहाँ से ये इस तरीके से ये एक्सटेंड पे हो गया। अब ये काफ़ी ज़्यादा दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव मॉनिटर हो गया है। अब चलिए फटाफट इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, करीब से बनाओ थोड़ा सा, है ना, वो कट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से करीब से। तो देखिए यहाँ पे एक आइडियो जैक आपको मिल जाएगा, आइडियो लिंक, और यहाँ पे HDMI केबल और VGA दोनों ऑप्शन में दे रहे हैं। तो मैं पहले यहाँ से HDMI कनेक्ट कर दे रहा हूँ, तो हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। अब मैं सीधा सीधा पावर कनेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ से पहले से पावर एक है, तो मैं यहाँ से एक पावर केबल कनेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ से देखिए मैंने पावर केबल्स को जो है कनेक्ट कर दिया है। पावर कनेक्ट होने के बाद में इसको चल के डिस्प्ले इधर से आ जाए पे, अब काफ़ी ज़्यादा ये अट्रैक्टिव मॉनिटर हमारा है। और इसमें मैं आपको वीडियो क्वालिटी भी दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं कोई वीडियोस ओपन कर ले रहा हूँ फिलहाल। और देखिए यहाँ पे अगर इसकी वीडियो क्वालिटी की बात करें ना, तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव वीडियो, 4K वीडियो चलने वाला है आपके सामने।